हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बजाज कंपनी के इंडक्शन के ऊपर में रहेगा दोस्तों। और आज बहुत बढ़िया से जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है उसके बारे में थ्योरिकल और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा दोस्तों। और इसमें प्रैक्टिकल में बताऊंगा दोस्तों पल्स विद मॉड्यूलेशन में कौन से कंपोनेंट खराब हो जाने से हमारा डिस्प्ले में E0 का एरर आ रहा था और मेटल को सेंस नहीं कर रहा था। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बजाज का इंडक्शन है, इसमें दोस्तों E1 आता है तो मेटल को सेंस करता है, E0 आता है तो मेटल को सेंस नहीं करता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से मैंने ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन देने के बाद दोस्तों डिस्प्ले में 1200 वाट आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें E1 आ रहा है कि E0 आ रहा है, आप खुद देखो। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले में क्या आ रहा है, E0 आ रहा है। अब E0 आ जाएगा बट मेटल को सेंस नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहले से आपको बता दिया हूँ कि इसमें E1 आता है तो मेटल को सेंस करता है। तो इसी का टॉपिक का वीडियो है दोस्तों। इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरिकल बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट को मैंने चेक कर लिया हूँ दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस करना है, मैंने दोनों कैपेसिटर को चेक कर लिया है, यहाँ पे IGBT को भी चेक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों जो क्वाइल का इनपुट होता है और क्वाइल का आउटपुट होता है यहाँ पे भी वोल्टेज चेक कर लिया है। और आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC है, आपको हर बार बताता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर के दो पिन पे क्वाइल का इनपुट ड्राइव पल्स और क्वाइल का आउटपुट ड्राइव पल्स दो पिन पे हमेशा आता है 2.5 से बीच में। ओके, यहाँ पे मान लो 20 नंबर पिन पे हमारा 2.5 वोल्ट आ रहा है, एक क्वाइल का इनपुट सिग्नल भी आ रहा है, और 19 नंबर पिन पे भी 2.5 वोल्ट आ रहा है, एक क्वाइल का आउटपुट सिग्नल भी आ रहा है। ओके दोस्तों, तभी भी हमारा डिस्प्ले में E0 का एरर कोड आ रहा है। तो अब दोस्तों इसका जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में दोस्तों इसका थ्योरिकल भी ड्राइंग के माध्यम से आपको बहुत बढ़िया से समझाने वाला है और इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आपको यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले हमारा क्वाइल का इनपुट, क्वाइल का इनपुट पे हमको वोल्टेज चेक करना है, DC वोल्टेज चेक करना है दोस्तों, 300 से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्वाइल के इनपुट में, तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, 330 वोल्ट DC मिल रहा है। ओके, ये हमारा क्वाइल का इनपुट में हो गया। अब दोस्तों क्वाइल के इनपुट में जो वोल्टेज आता है ये रेजिस्टेंस है हमारे, यहाँ पे घूमते घूमते ऐसे करके सीधे इसके माध्यम से हमारा क्वाइल के आउटपुट में आता है, यहाँ हमारा क्वाइल का आउटपुट हो गया। तो दोस्तों हम चेक करेंगे यहाँ पे तो कितना आ रहा है, यहाँ भी सेम वोल्टेज आ रहा है, 330 वोल्ट। अब दोस्तों यहाँ पे क्वाइल के इनपुट और क्वाइल के आउटपुट में हमारा वोल्टेज आ गया। आने के बाद दोस्तों अब क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं, क्वाइल के इनपुट पॉइंट से ए रेजिस्टेंस है और क्वाइल के आउटपुट पॉइंट से ए वाला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है दोस्तों, करंट और वोल्टेज को ड्रॉप करके हमारे माइक्रो कंट्रोल IC को सिग्नल देता है कि हमको क्वाइल पे वोल्टेज आ रही है। ये सिग्नल देगा कि क्वाइल पे वोल्टेज आ रही है, और ए वाला सिग्नल देगा कि हमको क्वाइल के आउटपुट यानी IGBT के कलेक्टर पे वोल्टेज आ रही है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया था कि क्वाइल का जो इनपुट पॉइंट होता है ये माइक्रो कंट्रोल IC के 20 नंबर पिन से कनेक्ट रहता है। तो हमको मल्टीमीटर को यहां पे चेक 20 वोल्ट में सेलेक्ट कर लेंगे और चेक करेंगे 20 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों, 2. से लेके 2.9 के बीच के में आनी चाहिए वोल्टेज। ओके, तो हम यहां पे 20 नंबर पिन पे चेक करते हैं वोल्टेज, तो हमको यहां पे 2.9 के करीब में आ रहा है। ये हमारा IC के 20 नंबर पिन है, कौन सा, क्वाइल का इनपुट वाला पॉइंट है, ये आपको नोट करके रख लेना। ओके, अब दोस्तों क्वाइल का यहाँ पे आउटपुट जो होता है ये ड्राइव पल्स किसके आता है, माइक्रो कंट्रोल IC के 19 नंबर पिन पे आएगा, तो यहाँ भी सेम वोल्टेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको वोल्टेज मिल रहा है 2 से लेके 2.8 के करीब में मिल रहा है। आपको दोस्तों नोट कर लेना है कि क्वाइल का जो इनपुट होता है जो माइक्रो कंट्रोल के 20 नंबर पिन पे 2.5 से लेके 3 वोल्ट के बीच में आएगा। ओके, और क्वाइल का जो आउटपुट होता है वो 19 नंबर पिन होता है, वहाँ पे आपको सप्लाई आएगा 2.5 से लेके 2.9 के बीच में आएगा। ओके, ये दोनों पॉइंट को आपको कॉपी पेन में नोट कर लेना है। अब दोस्तों हमारा जो मेन प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में आपको विस्तार से पहले थ्योरिकल समझा देता हूँ, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन का यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन कैसे काम करता है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर कब काम करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरिकल को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है। एक जो ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में, ए लगा है हमारा PNP ट्रांजिस्टर। ओके, जो हमारा 8550 ट्रांजिस्टर है। ओके, और दोस्तों उसके बाद लगा है एक हमारा NPN ट्रांजिस्टर लगा है, ये जो दोस्तों हमारा 8050 ट्रांजिस्टर है। फिर एक हमारा NPN ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों, ये भी हमारा 8050 ट्रांजिस्टर है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 ट्रांजिस्टर हो गया। अब दोस्तों पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है, हमारा सबसे पहले यहाँ पे IGBT हो गया दोस्तों, IGBT का कलेक्टर, एमिटर और गेट। IGBT के गेट पे सप्लाई जाता है पल्स विड्थ, यानी समझ लो पल्स के रूप में, किसके, यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव,
पॉजिटिव निगेटिव इसके रूप में जाता है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों ये कैसे वोल्टेज बनता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन से, इसके बारे में थ्योरिकल आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन हो गया। अब पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन को स्टैंड बाई कराने के लिए हमारा पावर सप्लाई से 18 वोल्ट इन होता है। जो 18 वोल्ट इन होगा दोस्तों यहाँ पे 120 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा जो क्वार्टर वाट में होगी। उसके बाद दोस्तों सीधे हमारा यहाँ पे आगे आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा। कहाँ से कैपेसिटर मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर रहेगा 100 माइक्रोफैराडे 25 वोल्ट का कैपेसिटर, जो वोल्टेज को यहाँ पे फिल्टर करने के काम करेगा। ओके दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टैंड बाई हो जाएगा। स्टैंड बाई तो हो गया। अब दोस्तों पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को एक पल्स देता है। कौन सा पल्स देता है दोस्तों, निगेटिव पल्स भी दे सकता है, पॉजिटिव पल्स भी दे सकता है। तो कौन देगा, तो दोस्तों जो हमारा माइक्रो कंट्रोल आईसी होता है, हमारे माइक्रो कंट्रोल आईसी हो गया। ओके, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोल आईसी हमारा 20 नंबर पिन का है। ओके, तो दोस्तों हमारा पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा नंबर पिन से एक पल्स यहाँ पे आउट होगा। जो पल्स आउट होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे निगेटिव के रूप में भी हो सकता है, पॉजिटिव के रूप में हो सकता है। अब दोस्तों हमारा निगेटिव के रूप में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम मान लो यहाँ पे हमारा जो पल्स आउट हो रहा है ये निगेटिव के रूप में आ रहा है, तो हमारा निगेटिव पल्स यहाँ पे आउट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे निगेटिव पल्स सीधे आगे आएगा, तो यहाँ पे कहाँ पे दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो 8050 है इसके बेस पे आएगा। अब दोस्तों आपको पता होगा जो 8050 ट्रांजिस्टर होता है यानी NPN ट्रांजिस्टर होता है, उसके बेस पे समझ लो हमेशा पॉजिटिव सप्लाई जाएगा तो ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा, नेगेटिव सप्लाई जाएगा तो ट्रांजिस्टर वर्किंग नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई मिला, तो कहने मतलब जैसे इसको नेगेटिव सप्लाई मिला तो ट्रांजिस्टर वर्किंग नहीं करेगा। यहाँ पे 10 के रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये रेजिस्टेंस लोड बन जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे वर्किंग ट्रांजिस्टर नहीं करेगा, तो अब दोस्तों सीधे आगे जाएंगे। ओके, अब ये वाला ट्रांजिस्टर के पे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। कौन सा लगा दोस्तों, यहाँ पे भी NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब दोस्तों मान लो कि इसके बेस पे, इसके हमारा बेस हो गया, एमिटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे ट्रिक देख लो, ये ट्रिक के माध्यम से हमारा एक 2K का रेजिस्टेंस लगा है। ये जो हमारा ट्रिक है ये 18 वोल्ट का है। 2K रेजिस्टेंस लगने के बाद दोस्तों हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, और ड्रॉप करने के बाद दोस्तों जो हमारा ट्रिक जा रहा है सीधे कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जा रहा है NPN ट्रांजिस्टर के जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव सप्लाई हो गया। अब दोस्तों जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, आपको पता होगा कि हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पे पॉजिटिव जाएगा तो वर्किंग करेगा, नेगेटिव जाएगा तो वर्किंग नहीं करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। जो हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर है ये हमारा बेस, कलेक्टर, एमिटर। अब दोस्तों हमारा कलेक्टर है, इस पर कितना वोल्ट आ रहा है दोस्तों, ये हमारा ट्रिक को चेक करेंगे तो हमारा 18 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे 18 वोल्ट का ट्रिक है, ये हमारा 18 वोल्ट आ रहा है। ओके, कलेक्टर पे कितना वोल्टेज आ गया, 18 वोल्ट आ गया, और बेस पे कितना वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, 18 वोल्ट से कम आ रहा है। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे या थ्योरिकल करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर के पे जितना कलेक्टर पे सप्लाई आता है उससे कम ही हमारे बेस पे सप्लाई आनी चाहिए, तभी आपका ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, अब दोस्तों मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिल गया और हमारे कलेक्टर पे 18 वोल्ट सप्लाई मिल गया, तो जैसे इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से समझ लो 18 वोल्ट सीधे ऐसे होकर हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को यहाँ पे रेजिस्टेंस के यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे हमको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा, यानी पॉजिटिव के रूप में हमको एक वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, अब दोस्तों हमको यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज तो मिल गया यहाँ पे, अब हमको निगेटिव वोल्टेज चाहिए, क्योंकि आपको बता दिया था पहले कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वोल्टेज मिलता है, तो निगेटिव वोल्टेज कैसे बनता है, तो यहाँ पे फोकस करेंगे सबसे पहले। ओके, तो अब दोस्तों हम फिर से यहाँ पे आएंगे, हमारा जो आईसी पहले क्या दिया था, हमारा जो माइक्रो कंट्रोल आईसी पहले क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पे समझ लो निगेटिव सिग्नल दिया था। अब दोस्तों हमको यहाँ पे आईसी से पॉजिटिव सिग्नल चाहिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है सबसे पहले। ओके, अब दोस्तों हमारा जो यहाँ पे मान लो पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, यहाँ पे सीधे पॉजिटिव सप्लाई जाएगा, कहाँ पे जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है 8050, इसके बेस पे जाएगा। ओके, अब दोस्तों आपको बता दिया था कि यहाँ पे हमारा जो 8050 का NPN ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पे पॉजिटिव जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग करेगा, निगेटिव जाएगा तो वर्किंग नहीं करेगा। अब जैसे इसको पॉजिटिव मिलेगा दोस्तों तो आप वर्किंग में हो जाएगा, कैसे तो थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 10K का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ हमारा 18 वोल्ट है। ओके, 10K रेजिस्टेंस लगने के बाद दोस्तों वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद दोस्तों हमारा बेस पे मान लो कुछ वोल्टेज आएगा, मान लो नॉर्मली यहाँ पे 4 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में आ रहा है बेस पे, हमारा कलेक्टर पे लगभग यहाँ पे 12 से 13 वोल्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2K का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगा है, तो वोल्टेज को कौन ज़्यादा ड्रॉप करेगा, 10K का रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा ना, तो यहाँ पे बेस पे हमारा समझ लो इससे कम वोल्टेज आ गया। अब हमारा वर्किंग में हो जाएगा, क्या वर्किंग में हो जाएगा, हमारा ट्रांजिस्टर। अब जैसे इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, अब क्या करेगा कि जो हमारा एमिटर ग्राउंड है, सीधे हमारा एमिटर यहाँ पे सीधे कलेक्टर वाला पॉइंट हमारा एमिटर बन जाएगा।
जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा 2K का, तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, नहीं हमारा रेजिस्टेंस लोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस लोड जैसा काम करने लगेगा। ओके, अब जैसे मान लो माइनस बन जाएगा, अब दोस्तों हमारा ये जो ट्रैक है ये हमारा ट्रैक निगेटिव बन जाएगा। अब निगेटिव सीधे ट्रैक आगे जाएगा, जैसे आगे जाएगा दोस्तों तो इसको एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, जो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, कौन सा ट्रांजिस्टर दोस्तों? NPN। दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर हमेशा इसके बेस पे पॉजिटिव आने चाहिए तभी वर्किंग में होगा, लेकिन इसके बेस पे क्या आ जा रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो ये वर्किंग नहीं करेगा। फिर दोस्तों इसी ट्रैक को देखेंगे तो सीधे आगे जाएगा, ये यहाँ पे दोस्तों वर्किंग नहीं किया तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं देगा इसको, तो सीधे आगे जाएगा, यहाँ से सीधे आगे जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ से आगे जाएगा, फिर इसको एक और ट्रांजिस्टर मिलेगा, जो ट्रांजिस्टर मिलेगा कौन सा मिलेगा दोस्तों? ए मिलेगा, PNP। दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव जाएगा तो वर्किंग में नहीं रहेगा, निगेटिव जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर काम करेगा, वर्किंग करेगा। तो दोस्तों जैसे इसको निगेटिव मिला, यहाँ पे निगेटिव मिला, कहाँ पे? हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पे निगेटिव मिल जाएगा। जैसे ट्रांजिस्टर के बेस पे निगेटिव मिलेगा, और इसका कलेक्टर क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमेशा ग्राउंड रहता है, आपको यहाँ पे फोकस करना है, PNP ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है कोई सा भी इंडक्शन रहे हमेशा ग्राउंड रहता है, आपको पहचानने का नियम यही होता है। अब जैसे मान लो कि इसको यहाँ पे इसके बेस पे निगेटिव सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ से हमारा निगेटिव सप्लाई इसके इमीटर के माध्यम से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इसके आ जाएगा दोस्तों, हमको यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा और PNP ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमको निगेटिव मिल जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव ये सीधे कहाँ पे जाएगा दोस्तों? ये सीधे हमारे IGBT के गेट पे जाएगा और यहाँ पे पल्सित मॉड्यूलेशन बन जाएगा। जैसे इसके गेट पे पहुँचेगा तो हमारा IGBT स्विचिंग करने लगेगा, तो हमारा IGBT वर्किंग में हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी आपकी डायग्राम थी जो हमारा पल्सित मॉड्यूलेशन का था, इसका थ्योरिकल था दोस्तों कि ऐसे काम करता है। अब दोस्तों हमारे पल्सित मॉड्यूलेशन ऐसे काम करता है। अब दोस्तों पल्सित मॉड्यूलेशन में 3 ट्रांजिस्टर देखे थे, 2 रेजिस्टेंस देखे थे, 1 कैपेसिटर देखे थे, 104 का PF भी देखे थे। अब दोस्तों मान लो कि इसमें आपका 2 रेजिस्टेंस लगा है, अगर 2 रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, कोई एक रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो क्या आपका पल्सित मॉड्यूलेशन काम करेगा? तो क्या आपका IGBT गेट पे पल्स पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लो कि 2K का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, अब जैसे इसको ओपन करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर वर्किंग नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा? हमारा NPN नहीं कर सकता, PNP नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे वर्किंग नहीं करेगा। अब पल्सित मॉड्यूलेशन वर्किंग ही नहीं करेगा तो IGBT के गेट पे सप्लाई कौन देगा? ओके, तो अब इसका थ्योरिकल हो गया, अब इसका प्रैक्टिकल यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों कि इसमें पल्स विद मॉड्यूलेशन में कौन से कंपोनेंट खराब है। आप लोग तो क्या करते हो दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख सकते हो, जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है उसको तो चेक कर लेते हो, बट दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेक करना भूल जाते हो, मिस्टेक कर जाते हो। तो दोस्तों आज रेजिस्टेंस को मैं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसको निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें से दोनों रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस ओपन है। ओके, अब दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे बताया था थ्योरिकल में कि पल्स विद मॉड्यूलेशन में 3 रेजिस्टेंस यूज हुआ है, 1 कैपेसिटर यूज हुआ है और यहाँ पे 1 PF यूज हुआ है। ओके, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है 120 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, ये भी रेजिस्टेंस हमारा सही है तभी हमारा पल्स विद मॉड्यूलेशन पे आ रहा है। ये रेजिस्टेंस है हमारा 2K का रेजिस्टेंस है, जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर था दूसरे नंबर को, उसको क्या ट्रिगर करवाने का काम कर रहा था। और हमारा 10K का रेजिस्टेंस है, जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर था जो पहला नंबर था उसको ट्रिगर करवाने का काम कर रहा था। ओके, अब दोस्तों ये तीनों रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो सबसे पहले मल्टीमीटर को क्या करेंगे, यहाँ पे 20K के रेजिस्टेंस पे सेट कर लेंगे और पहले यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। ओके, अब ये रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 2K का रेजिस्टेंस है। ओके, तब 2K का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू नहीं आ रही तो इसको पहले बाहर निकालेंगे और कंफर्म करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल लिया और रेजिस्टेंस को प्रॉपर बाहर निकालने के बाद चेक करना है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं कर रही है। दोस्तों ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, तो यहाँ पे 2K का रेजिस्टेंस ओपन बता रहा है। दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओपन बताने से हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन काम नहीं कर रहा था, तो IGBT स्विचिंग नहीं कर रहा था, तभी हमारा डिस्प्ले में क्या रहा था? E0 का एरर कोड आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे 2K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब दोस्तों बहुत कोई हमसे क्वेश्चन करेगा, सर मार्केट में तो 2K की रेजिस्टेंस नहीं मिलती है, 1K की मिलती है। अब दोस्तों 1K रेजिस्टेंस से हम 2K रेजिस्टेंस को कैसे बनाएंगे, इसको आपको मैं बताने जा रहा हूं। ओके, यहाँ पे फोकस करना है सबसे पहले, क्योंकि 2K का रेजिस्टेंस लगा था, हमारे पास 2K रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 1K रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, सीरीज बना लेना है रेजिस्टेंस को। आपको थोड़ा सा थ्योरिकल पता होगा कि रेजिस्टेंस को सीरीज बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। ओके, और पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सीरीज बना लिया, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से, तो 2K के आसपास ही समथिंग शो करता है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2K के समथिंग शो करता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले कि इसको मैं लगा दूंगा और लगाने के बाद और चेक करता हूं।
दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस करना है, पहले यहाँ पे क्या 2 के रेजिस्टेंस ओपन था, मैंने 1 के रेजिस्टेंस को दो ठो लिया और सीरीज बना के 2 के रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो फिर इसको मैं सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन करने से यहाँ पे समझ लो ऑप्शन देता हूँ, पहले क्या आ रहा था डिस्प्ले में E0 आ रहा था। ओके, तो हमारा मेटल को सेंस नहीं कर रहा था। आपको मैंने पहले बता दिया था कि इस मॉडल में E1 आएगा तो मेटल को सेंस करेगा, तो E1 आ गया दोस्तों। अब इसके ऊपर मैं मेटल तो हम यहाँ पे समझ देख सकते हैं 12 वोल्ट आ गया और हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। कौन सा हो रहा है दोस्तों? सीरीज बल्ब हमारा ग्लो भी हो रहा है और मेटल को सेंस भी कर रहा है। ओके, ये दोस्तों हमारा प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो गया। दोस्तों छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आती है जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में आता है दोस्तों, आपको एक एक करके एक एक कंपोनेंट को, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, पीएफ हो गया, कैपेसिटर हो गया, उसको चेक करते जाओगे तो आसानी से आपका इंडक्शन बन जाएगा। ओके दोस्तों, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर में है दोस्तों। लेकिन कमेंट में आप जरूर बताइए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कुछ नया सीखे कि नहीं सीखे। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं तो मेरा जो अंदर का मनोबल बढ़ते जाता है और मैं जैसे है, तो मैं चाहता हूं कि इससे बेहतर और वीडियो को लाऊंगा। ओके दोस्तों, और आपको बताया दोस्तों इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम को मैंने क्या किया हूं, अपने वेबसाइट जो राज इंडक्शन के वेबसाइट चलता है मेरा, उसमें अपलोड कर दिया हूं और इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक भी दे दिया हूं। उस लिंक को टच करोगे तो सीधे अपने डायग्राम पे पहुंचोगे, उस पर लिखा भी है बजाज इंडक्शन ICX6 मॉडल पल्स विद मॉड्यूलेशन का डायग्राम। ओके, इसको नोट कर लेना। ऐसे छोटे छोटे सेक्शन का, जैसे आज पल्स विद मॉड्यूलेशन के बनाया, कल ओके IGBT सेक्शन का जो इनपुट और आउटपुट होता है उसका बनाऊंगा, उसके बाद दोस्तों हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का बनाऊंगा, एक एक करके इंडक्शन का जितने सारे डायग्राम होते हैं, जितने सारे IC के PDF फाइल होता है दोस्तों, आपको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी से हेल्प मांगने की जरूरत पड़ेगी। धीरे 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 डायग्राम को अपलोड कर दूंगा और IC का PDF फाइल आप खुद बना सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे में तो लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहाँ पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो। गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहाँ पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा, कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहाँ पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से IGBT शुरू करेंगे, IGBT से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है, जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, 1/2 वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहां पे थोड़ा सा बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहां पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है, अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को IGBT 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है, जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर, आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो, हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसे तक 6 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहाँ पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद, मैं राज।